इजराइल के पासपोर्ट बैन के नाम पर क्या खेल रहे हैं मुइजू, घर में ही बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना के दबाव में आ गया है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने आखिर ले लिया है निर्णय। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मालदीव की मोहम्मद मुइजू सरकार ने इजरायली पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। मालदीव सरकार की ओर से इसका ऐलान किए जाने के बाद देश की विपक्षी पार्टी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी ने कई सवाल उठाए हैं। एमडीपी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के दृष्टिकोण पर चिंता जताई है। एमडीपी के सांसद मिकाइल नसीब ने इस संबंध में कहा है कि उनकी पार्टी ने इजरायल के पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के फैसले का स्वागत किया होता अगर उसने राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से प्रतिबंध को सीधे लागू करने का दृष्टिकोण अपनाया होता। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून में संशोधन करने की सरकार की कल की घोषणा से फैसले से प्रक्रिया में केवल देरी होगी। द एडिशन की रिपोर्ट के मुताबिक नसीम ने कहा कि हम नहीं चाहते कि ये कब तक होगा, हम नहीं जानते कि ये होगा भी या नहीं। हम सुन रहे हैं कि सरकार संसद में एक विधेयक पेश करने की योजना बना रही है, जबकि एक विधेयक पहले से ही संसद में मौजूद है। मिकाइल ने देश में इजरायलियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के लिए आप्रवासन अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि ये कुछ ऐसा है जिसे राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से किया जा सकता है। ऐसे में उनकी पार्टी पीपुल्स नेशनल कांग्रेस का एक सांसद आज ही एक विधेयक प्रस्तुत करेगा, लेकिन इस प्रक्रिया में देरी हो रही है, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। केंदू के सांसद मौरूफ जाकिर ने कहा कि इजरायली पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने का नियम तो राष्ट्रपति लागू कर सकते हैं, ऐसा कानून नहीं है उनको इस फैसला लेने से रोके, फिर वो क्यों इसे लटकाना चाहते हैं। उन्होंने सरकार पर प्रतिबंध के पीछे अच्छे इरादे नहीं होने का आरोप लगाते हुए कहा कि बिल का पहला संबोधन आज के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। मालदीव की सरकार ने रविवार को देश में इजरायली नागरिकों के एंट्री पर रोक लगाने का फैसला लिया है। गाजा पर इजरायली बलों के हमलों पर लोगों के बढ़ते हुए आक्रोश को देखते हुए मालदीव की मोहम्मद मुइजू की सरकार ने देश के कानून में बदलाव का फैसला किया है। रविवार को मालदीव के गृह मंत्री अली इहसून ने बताया कि कैबिनेट बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया और जल्दी ही के लिए जरूरी कानूनों में बदलाव किया जाएगा। हालांकि इजराइल ने भी यहां पर मालदीव को छोड़ भारत आने की सलाह दे दी है और कहा है कि भारत की तरफ रुख कीजिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में चीनी इंजीनियरों पर घातक आतंकी हमले के बाद चीन के साथ उसका तनाव बढ़ रहा है। इस आतंकी हमले ने चीन के निवेश को खतरे में डाल दिया है। चीन के पाकिस्तान पर दबाव बनाने के बाद उन दो शहरों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है जो चीनी श्रमिकों का प्रमुख केंद्र है। पाकिस्तान के उत्तर में दासू और चिलास के लिए योजनाबद्ध अपग्रेड किया गया है। सीसीटीवी कैमरे, चौकियां, अन्य बाधाएं बनाए गए हैं। पाकिस्तानी सरकार ने यह भी कहा है कि सुरक्षा बढ़ाने का बड़ा कारण प्रोजेक्ट की समय सीमा है। पाकिस्तान में भविष्य के चीनी निवेश पर निर्णय लेने जैसे जुड़ी एक मीटिंग के कुछ दिनों बाद 25 मई को सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया गया। पाकिस्तान पर लगातार चीनी इंजीनियरों की मौत के बाद चीन की चिंताओं को कम करने के लिए भी दबाव बनाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अधिकारी ने कहा कि विचार ये सुनिश्चित करना है कि सभी वाहनों और यात्रियों की आवाजाही पर नजर रखी जा सके ताकि आतंकी इन इलाकों में घुसपैठ करने और चीनी नागरिकों पर हमला करने में सक्षम न हो। पाकिस्तान लगातार आतंकी गतिविधियों से जूझ रहा है। इसमें पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करने के साथ साथ बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ने वाले असंख्य संगठन शामिल हैं। बलूचिस्तान में ही ग्वादर बंदरगाह मौजूद है जो 50 अरब डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का केंद्र बिंदु है। चीनी नागरिक अक्सर पाकिस्तान में आतंकी हमलों में निशाना बनते हैं। बार बार चीन पाकिस्तान से कहता है कि वो इस हमले को रोकने के लिए भी प्रयास करे। आतंकी हमलों के कारण पाकिस्तान पर चीन अपने सुरक्षा कर्मियों को तैनात करने का दबाव डालता रहता है, लेकिन पाकिस्तान ने अब तक चीन के अनुरोध को खारिज कर दिया है। मार्च में धासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के पास एक आत्मघाती हमलावर ने 5
चीनी इंजीनियरों को मार डाला था। दासू शहर में लगभग 2 लाख की आबादी रहती है। 2021 में इसी तरह के हमले के बाद 9 चीनी इंजीनियर मारे गए थे। चिलास में भी एक बांध बन रहा है जहां पाकिस्तान की सुरक्षा पर हमले होते रहते हैं। खैर, पाकिस्तान और चीन की बात जहां तक करें तो पाकिस्तान काफी लंबे समय से लोन में अपग्रेड चाह रहा है और कुछ पैसे भी चाह रहा है इस वक्त चाइना से, और इसके लिए जाने भी वाले हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ चाइना। और चाइना जाने से पहले वो कई सारी चीज़ों को ठीक करके जाना चाहते हैं ताकि वहाँ पर बात की जा सके। अभी हाल ही में पाकिस्तान के लिए कई सारी मदद भी करी है चाइना ने। माना जा रहा है कि शहबाज शरीफ अगर चाइना पहुंचते हैं तो सीपेक 2.0 लॉन्च होगा, यानी सीपेक पर परियोजना आगे बढ़ेगी। कि सिर्फ सीपेक ही नहीं, इसके अलावे पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपारको ने चीन के लॉन् ग मार्च रॉकेट से पाक सेट MM-1R की लॉन्चिंग कराई। पाकिस्तान के पास रॉकेट नहीं है, न ही लॉन्चिंग फैसिलिटी। चीन की मदद से पाकिस्तान अपने सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भिजवाता है। अभी जो सैटेलाइट छोड़ा गया है वो कम्युनिकेशन, टीवी ब्रॉडकास्ट और ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए है। इस सैटेलाइट में 48 ट्रांसपोंडर्स हैं। ये सैटेलाइट 15 साल तक अंतरिक्ष में काम करेगा, लेकिन हैरानी इस बात की है जो पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी इसरो से 8 साल पहले बनी थी उसने अब तक सिर्फ 10 सैटेलाइट ही लॉन्च किए हैं। पाकिस्तान के स्पेस एजेंसी ने अब तक कोई बड़ा काम किया है या नहीं तो आपको बता दें, कई ऐसे काम करे हैं। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का दुनिया में कहीं कोई नाम नहीं है, न ही उसके लॉन्च की कोई खबर आती है, जबकि भारत के स्पेस एजेंसी इसरो ने पूरी दुनिया पे भरोसा जीता है। अंतरिक्ष विज्ञान के मामले में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में से एक है, दक्षिण एशिया में नंबर एक है। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी को जिंदा करने के लिए चीन ने 800 करोड़ रुपए की मदद की है, और इस मदद के साथ ही चीन के वैज्ञानिक पाकिस्तानी साइंटिस्ट इंजीनियर्स को ट्रेनिंग भी देंगे। अब देखना यह है कि कहीं चीन पाकिस्तान को मोहरा बनाकर भारत और अमेरिका जैसे देशों के लिए कोई नई चाल तो नहीं चलता है। दक्षिण एशिया में 8 देश हैं, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव। अंतरिक्ष विज्ञान के मामले में सिर्फ चीन ही थोड़ा बहुत प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान से भारत इतना आगे है कि उसे भारत की बराबरी करने में कई दशक लग जाएंगे। भले ही चीन से मदद ले ले या किसी और देश से, चीन हो या पाकिस्तान, अंतरिक्ष विज्ञान में ये भारत के आगे अभी थोड़ा चीन आगे जरूर है, पर आने वाले भविष्य में नहीं टिकेगा। अंतरिक्ष के क्षेत्र में पाक 16 सितंबर 1961 में स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सुपारको बनाया, वो भी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के आधिकारिक गठन से करीब 8 साल पहले। लेकिन आज वो रेस में नहीं है। इसरो की स्थापना 1969 में हुई, उससे पहले भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च था। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाई। अंतरिक्ष विज्ञान के मामले में भारत के सामने पाकिस्तान का अभी कोई वजूद नहीं है, लेकिन चाइना इन मामलों में बहुत मदद कर रहा है। चाइना ने पाकिस्तान को कई सारे नए हथियार भी दिए हैं जो माना जा रहा है कि आने वाले समय में उसकी मदद करेंगे। खैर, अगले सप्ताह चीन की यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री शरीफ और सीपेक की बात करेंगे। इससे पहले वो चाहते हैं कि हर चीज यहाँ सुरक्षित कर ली जाए। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।